कोलकाता के हॉस्पिटल में अचानक से डॉक्टर्स बैठे हैं तो टेबल अपने आप जगह से खिंचक जाता है। तो उसी डर में वो डॉक्टर वहाँ से उठ जाता है और दूसरे डॉक्टर को बुला के ले आता है। चारों जगह पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि ममिता की आत्मा आ गई है उसका बदला लेने के लिए। तो ये वीडियो किस हॉस्पिटल का है वो अभी तक पता नहीं लगा है, बट बहुत ही जगह पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और बोल रहे हैं कि ममिता की आत्मा आ गई है और वाकई में आनी भी चाहिए। ये जो पुलिस हाथ पकड़ के जा रही है ये वही दरिंदा है जिसने एक हंसती खेलती लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर उस लड़की की कौन सी गलती थी जो उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? जब रिपोर्टर उसकी माँ से मिलने गए और उसके बारे में पूछा तो उसकी माँ ने क्या बोला, आप भी सुनिए। कि क्या कुछ उसने किया है? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है। और ऐसा है नहीं, इतना अच्छा लड़का जो ऐसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा अपने को। ये वही संजय रॉय का घर है जो आप देख सकते हो। और उसकी माताजी ने बताया कि वो चार बहन है और एक लौता बेटा है वो, बट वो बचपन में बहुत अच्छा था। अगर अच्छा इतना ही था तो इतना भयानक कांड वो कैसे कर सकता है, वो भी सोचने वाली बात है। उसने अपनी बूढ़ी माँ के बारे में भी नहीं सोचा कि ऐसा कांड करने से मेरी माँ पे क्या बीतेगी, उसे कैसा दर्द होगा। उसने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। और ये एक माँ है बेचारी, अब सब लोगों की बातें सुनेगी, अब वो क्या कह सकती है? हर कोई आके बोलेगा कि आपके बेटे ने वो किया, जो किया है वो तो सब बोलेंगे ही, बट उसकी माँ के बारे में भी उसने एक भी बार नहीं सोचा। इतनी हंसती खेलती परिवार की वो लड़की थी जो बहुत मेहनत से वो डॉक्टर बन गई थी और उसे ऐसे ही मार दिया। ये वही कमरा है जहाँ पर उस ममिता के साथ कांड हुआ था, जहाँ डॉक्टर सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। काश भगवान के यहाँ एक रूल्स होता, जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है वो भगवान उसे एक बार इस पृथ्वी पर उसको भेजना चाहिए, क्योंकि वो आके बता सके कि उस पर कितनी तकलीफ हुई थी उसको, वो किस हद के वो दर्द से वो सहम गई थी, वो आखिर में उसने वो कौन सा दर्द सहा होगा, कैसा दर्द सहा होगा, उस पर क्या बीती होगी। जब वो अपने आप को अकेला पाया होगा उसने, तो कैसा डर उसने महसूस किया होगा, वो सोच के भी रूह कांप जाती है। जब भीड़ को और हमारे लोगों को ऐसे पता लगा कि ये सब कांड हो गया, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर वो तोड़फोड़ कर देते हैं और ज़्यादातर बहुत ही नुकसान कर देते हैं। अब तो जो भी होगा, पर जो इस दुनिया से चला गया उसे तो जीना था, उसे तो नहीं मरना था। उसके भाई पर, उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी। किसने आके हमें सिखा दिया मोमबत्ती पकड़ाना? नहीं तो नारी के सम्मान में तो हम महाभारत रचते थे, महाभारत का निर्माण करते थे हम।